हर घर चुपचाप से ये कहता है कि अंदर इसमें कौन रहता है, किस हस्ती की हुई इस घर से शुरुआत, किन लोगों ने थामा था उनका हाथ। सुनते हैं सितारों की जुबानी उस घर की अनोखी कहानी, क्योंकि हर घर कुछ कहता है। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनि सैभम गुर प्रसाद जप। नमस्कार, एशियन पेंट्स हर घर कुछ कहता है में मैं विनय पाठक कई बचपनों से गुजरने के बाद इस सीजन की आखिरी कहानी लेकर आपके सामने खड़ा। ये कहानी गांव के उस लड़के की है जिसे बचपन में उसकी माँ ये कह के चिढ़ाया करती थी कि वो बिल्कुल सुंदर नहीं। गांव का यही लड़का आगे चलकर हिंदी फिल्म जगत का सबसे खूबसूरत हीरो बना। आज हम बात कर रहे हैं उसी गांव के लड़के की जिसका नाम सुन के आज भी लड़कियों का दिल धड़कता है और चेहरा शर्मसार हो जाता है। जी हाँ, द अल्टीमेट ही मैन, द वन एंड ओनली धर्मेंद्र सिंह देओल, यानी कि धर्मपाची। विनय आगे। धर्मेंद्र सिंह देओल का जन्म 8 दिसंबर 1935 को नसराली गांव में हुआ। माँ सतवंत कौर और पिता केवल किशन के 6 बच्चों में से एक हैं धर्मेंद्र। 1958 में हिंदी फिल्म जगत में उन्होंने फिल्म फेयर टैलेंट हंट कॉन्टेस्ट के द्वारा कदम रखा। 1960 में उनकी पहली फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरे रिलीज हुई। उसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। इन्होंने लगभग 300 फिल्मों में अलग अलग किरदार निभाकर ख्याति प्राप्त की है। ही मैन बनके गुंडों को डराने वाले और हीरो बनके लड़कियों का दिल धड़काने वाले हमारे अपने धर्मेंद्र पाजी। विनय आजा आजा। तुझे ट्रैक्टर की थोड़ी धक चक दिखा दूं कैसे है, ठीक है? ओके चल। आपको देख के लग रहा है कि आप पंजाब छोड़ के कभी गए ही नहीं। यार मेरी जड़ें यहाँ हैं, इसको छोड़ के कहाँ जा सकता हूँ। अगर मैं बॉम्बे में भी हूँ मेरी आत्मा इधर ही रहती है। आपको हिंदुस्तान का सबसे खूबसूरत नौजवान बनाया। पता नहीं क्या अभी भी जो हैंडसम का पर्याय अगर खोजते हैं तो आपका नाम लेते हैं। बच्चे मुझे मैं एम्बैरेस फील करने लगता हूँ जब कोई मेरी तारीफ करता तो मुझे लगता है मैं भाग जाऊँ। तो ये सानेवाल गांव जहाँ आप पले बढ़े, लेकिन क्या आपकी पैदाइश भी सानेवाल की है? नहीं, मैं पैदा हुआ था नसराली। नसराली गांव है लुधियाना डिस्ट्रिक्ट में जी। 2 साल की उम्र का था और फिर मेरे बाबूजी का तबादला हो गया ललतों, फिर वहाँ से ट्रांसफर हो गई हमारी सानेवाल। तो सानेवाल के लोगों ने इतना प्यार दिया कि बाबूजी का तबादला ही नहीं होने देते थे। मैं ये जानना चाहता हूँ चूंकि मैं कभी गांव में रहा नहीं, तो गांव में रहना क्या है? बहुत ही खुशकिस्मत है वो लोग जो गांव में पैदा होते हैं। कोई मसनूयत नहीं, कोई आर्टिफिशियलिटी नहीं, इतनी मजबूती देती है आपको। दरख्तों में चढ़ना, पता नहीं कितनी हाइट से हम तालाब में यूं नाक बंद करके दम छलांग लगा देते थे। ये ब्लेसिंग है जो आज भी मैं मुझे इसी का ही देन है। तो मतलब स्विमिंग भी आपने गांव के तालाब में? सब बगैर घर वालों को बताया नहीं। वो हमारे कपड़ों से पता लग रहे थे आज कौन से जोहड़ में नहा कर आए। तो चलते हैं आपके गांव। चलिए मेरे गांव। चलिए। पंजाब से निकले धर्मेंद्र आज अरसों बाद उसी मिट्टी पर फिर लौटे हैं। 50 साल पहले सनेवाल का एक आम लड़का अपने सपनों को ढूंढने निकला था। आज वही लड़का एक लेजेंड सुपरस्टार धर्मेंद्र बनकर अपने गाँव वालों से मिलने आया है। अब हम चलेंगे उस स्कूल की तरफ जहां पाजी के पिताजी एक स्कूल टीचर हुआ करते थे और जहां पाजी ने अपनी जिंदगी के कई महत्वपूर्ण सबक सीखे। ये तो यार सब बदल गया, यहाँ नया पक्का आ गया है। इसी स्कूल में टीचर थे बाबू? इसी स्कूल में टीचर थे। मैं एक दिन पगड़ी बांध के नहीं आया तो मुझे लगा मैं स्कूल मास्टर का बेटा हूँ, शायद मुझे कोई कुछ नहीं कहेगा।
तो हमारे मास्टर थे गुलाम रसूल जी, उन्होंने ऐसा डांटा मुझे कि मैं रो पड़ा। बाबूजी को बोला मैंने, बाबूजी मुझे तो मैं पकड़ी नहीं, तो उसने क्या डांटना था जो बाबूजी ने मुझे डांटा के उल्लू के पट्टे, चल घर जाके पगड़ी बांध किया। एट्थ में था जब ये पार्टीशन हुआ है, तब मेरे दोस्त थे अब्दुल जब्बार, अकरम, हम लोग इतने प्यार से रहते थे, कुछ भेदभाव रत्ती भर नहीं था। तब अब पार्टीशन की बात से लर्जा सा अजीब सी हालत हो जाती यार। हमारे रुकनुद्दीन मास्टर जो थे, जब जा रहे थे बाजार से एंड में सर नीचे झुकाए हुए, तो मैं जाके लिपट गया उनसे, रो पड़ा मैं, आप छोड़ के क्यों जा रहे हैं मास्टर जी, मत जाओ। बोले नहीं बेटे, हमको जाना ही पड़ेगा। आप कह रहे हैं छठी में आए, आठवीं में पार्टीशन हुआ जो कि हमारे देश का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, लेकिन वो उम्र भी होती है, अल्लड़ उम्र होती है, बदमाशी करने का मन करता है, शरारतें करने का मन करता है। मैं छोटा था तो मैंने कहा माँ से बाबूजी के साथ सोना है मुझे, तो कहते सुला लो ना, ये आपके साथ सोना चाहता है, तो कहते आ जा आ जा। तो उसके बाद मैंने हाथ डाला, जफ्फी डाली बाबूजी को ऐसे सोने के लिए, तो मुझे कहते हैं पहाड़े सुना बच्चे, टेबल टेबल ना। मैंने कहा यार मैं सोने आया था, मरने नहीं आया था, पहाड़े कैसे। तो मैंने लिहा बढ़ा के अपनी माँ से कहा मुझे यहाँ से निकालो। बदलाव जरूरी है और हर जगह होता है। धर्म जी के स्कूल में भी एक दीवार के अलावा सब कुछ बदल गया है। यही एक दीवार है बची, बाकी सब कुछ तो नया हो गया। ये नसीब में था मेरे यहाँ आना, पता नहीं यहाँ मैं फिर से आशीर्वाद लेने आया हूँ। वही खुशबू है यार। आपके पिताजी यहाँ पे टीचर थे जी, तो आप पे कितना प्रेशर था पढ़ाई में अच्छा होने का? ना प्रेशर था, एक दफा तो मैं माँ से कहा कि मेरा स्कूल बदल दो, कहीं और भेज दो, मैं यहाँ नहीं रहूँ। वो क्लास में जब पढ़ाते थे बच्चों को, थोड़ा मेरे साथ ज्यादा सख्ती करते थे, ताकि दूसरे जो स्टूडेंट्स हैं उनको यह ना लगे कि अपने बेटे को पक्षपात लिहाज कर रहा है, ये कर रहा है। हमने सुना कि वो चाहते थे कि आप भी टीचर या प्रोफेसर बने। चाहते थे, उनकी बहुत बड़ी हसरत थी, वो तो मैं बन नहीं पाया क्योंकि अंदर तो दिमाग में तो सब्जेक्ट वही चल रहा था। दिलीप साहब घूम रहे थे, अप्सराएं, मधुबाला, नरगिस। एक पिक्चर में मैंने प्रोफेसर का रोल किया था, तो मैंने कहा बाबू जी देखो ये पिक्चर देखना, मैं इसमें प्रोफेसर हूँ। अरे उल्लू के पट्टे जो प्रोफेसर मैं बनाना चाहता था वो तो तू बना नहीं। हंस के वो खुश भी थे कि मेरे बेटे राइस, घर माँ बाप को होता कि मकाम जो मालिक ने दिया है। मैंने सुना कि वो बहुत स्ट्रिक्ट फादर थे, डिसिप्लिन थे, जैसा कि आप ये तो है हर, मेरे ख्याल से हर बाप स्ट्रिक्ट होता है डिसिप्लिन, लेकिन उसमें प्लस टी स्कूल टीचर। आपको लगता है कि आपके पिताजी की छाप है कि आप खुद एक स्ट्रिक्ट फादर? हाँ ये तो सही बिल्कुल। अभी सनी भाभी मुझसे ऐसी डरते हैं, ऐसी मैं चाहता हूँ मेरे पास बैठे, मुझसे बात करें। आज मुझे लगता है मैं अगर बाबूजी मेरे दोस्त भी होते तो कितना अच्छा होता। वी रियली मिस सर्टन थिंग्स। दोस्ती हो जाना बहुत ज़रूरी होती है। एक अब मैं मिस करता हूँ, कभी मेरे साथ बैठते नहीं, आते हैं पापा मैं चला, मैं शूटिंग पे जा रहा हूँ, पापा मैं ऐसे करके, जैसे मैं भी बैठ देखता था। वो कभी कभी गेट के पास उधर वॉचमैन से बात कर रहे हैं किसी के, तो बैठे कुर्सी पे अपनी वो छड़ी पे माथा टिकाए ऐसे कुछ सोचते रहते थे। तो मैं सोचा क्या बाबूजी क्या सोच रहे हो तुम, कुछ चाहिए भले बोलो ना। मैं तो कहने लगे नहीं बेटे, नौकर चाकर गाड़ियाँ बंगला सब कुछ है, क्या चाहिए मुझे, तुम जल्दी आ जाया करो शूटिंग से, थोड़ी देर मेरे पास बैठ जाया करो। फिर मैं गले से लगा के निकल जाता था, और शाम को लौटता था तो मेरी माँ बिस्तर में ठुड्डी अपनी हथेलिया से लिखाए बैठी रहती थी। तो उनसे पूछता तो वही जवाब उनसे भी मिलता, वो उनको चाहिए थी कंपनी हमारी, वी शुड हैव। उन इस तरह था जैसे कि वो लाड हमें लड़ा दो जो हमने लड़ाया है। हमारे अंदर भी एक बच्चा खड़ा है, हाथ खोले बाहें खोले, इस बच्चे को उठा के सीने से लगा लो। आज जो मुझे महसूस होता है वो हर बाप के दिल में होता है, माँ के। लेकिन हम अपना वो दर्द भी उन तुमको नहीं देते। उंगली पकड़ चलना सिखाया था जिनको, कदम उनसे मिला के चलना मुहाल हो गया। शिकायत यही रही होगी माँ बाप की मेरे भी मुझसे, काश इस एहसास ने उस वक्त जगाया होता, आज जिस दर्द से मैं गुजर रहा हूँ माँ बाप का वो दर्द मिटाया होता। क्या बात।
आज हम हिंदुस्तान के सुपरस्टार धर्मेंद्र के गांव उनके साथ एक बार फिर लौटे। उस गांव की गलियों से, उनके स्कूल से गुजरकर अब हम उस घर की ओर जा रहे हैं जो आज भी वहीं खड़ा है उनके बचपन की दास्तान सुनाने। ये स्कूल की दीवार थी। ये स्कूल है, ये घर शुरू हुआ यहाँ से। ये है घर। ये तो सब कुछ बदल दिया यार आपने। माय गॉड, ये मेरी मदर है। ये अजीत मेरा छोटा भाई। मैं, ये आप दोनों भाई हैं? हाँ। ये सनी सनी है, ये मेरी सिस्टर के बच्चे हैं। क्या बात है, ये तस्वीर याद आ रही है? हाँ, ये भेजी थी फिल्म फेयर फिल्म फेयर टैलेंट कॉन्टेस्ट में भेजी थी मैंने। ये बॉबी छोटा सा, बरगद के पेड़ों पे शाखे पुरानी पत्ते, ये लाली, ये सनी, ये बीजी, प्रकाश, अजीत, मुन्ना। ये सनी मेरी मदर के पैर छू रहे, बॉबी है। ये मेरी सिस्टर गुजर गई बेचारी। ये आपके लिए हमने छोटा सा तोहफा तैयार किया। नहीं, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। कभी कभी जब यादों का कारवां इंसान के सामने आके खड़ा हो जाता है तो इंसान निशब्द हो जाता है। धर्म जी ने भी जब अपने बचपन की तस्वीरें देखी तो पुरानी यादें एक बार फिर उन्हें भावुक कर गईं। से लग रहा है कि मेरी माँ शायद अंदर से आके कहेंगे रोटी तैयार हो गई, रोटी बन गई, बेटे बाबूजी इधर से आके कहेंगे तो गया नहीं, आज स्कूल नहीं गया अभी तक। ये कमरा क्या कमरा हुआ करता था? ये हमारा सिटिंग रूम कह लो, ड्राइंग रूम, सिटिंग कम बेडरूम। एक इधर बेड होता था, बाकी यहाँ चेयर्स होती थी। यहाँ एक ड्रेसिंग टेबल थी, उसके शीशे में मैं देख के कभी कभी कहता था अपने बाल यूं करके, मैं दिलीप कुमार बनना चाहता हूँ। इसी घर की छत पर रातों को सितारों में टिकटिकी बांधे मैं अपने इस हसीन मुस्तकबिल को तलाश किया करता था। भाई बहनों के साथ यहाँ बैठ की खेल झगड़ा भी इधर ही होता था सब। झगड़ा एक दफा हुआ तो यहाँ एक कुर्सी हुआ करती थी, आराम कुर्सी थी जी। तो आके मैं जीत को पुश किया, वो कुर्सी टूट गई। बाऊजी का चेहरा आंखों के सामने, शाम को लुधियाना से आने वाले शाम की ट्रेन से, और पिटाई हो जाएगी आज तो। यू नो स्ट्रिक्ट थे बहुत जी। तो हमने कैसे भी कोई रस्सी वस्सी बांध के उस कुर्सी को यहीं रख दिया। हमारे बाबूजी की बहुत चहेती भांजी थी, पगवाड़ा से आते थे वो कभी कभार, थोड़ी सी भारी थी। उन्होंने यहाँ बिठा दिया, जो दावत हुई ये हुई। दूसरे दिन चले गए तो हमने कहा ये कुर्सी कैसे टूट गई यार, ये तो वो सरला बहन बैठी थी, ये उनके वो टूट गई होगी। आज भी प्यार, आज भी मिस करता हूँ उनको, काश वो होते यहाँ। आप बेटे के लिहाज से अपने पिताजी के ज़्यादा करीब थे या माता जी के? देखो जी, माता तो डिफेंस मिनिस्टर होती है ना। बिल्कुल। होम मिनिस्टर भी होती है। मिनिस्टर भी होती। तो होम मिनिस्टर से कुछ बजटिंग उसी से मिलता था, जो भी 2 रुपये, 4 रुपये, 8 आने, 4 आने, 2 आने, जो भी। और बाकी डिफेंस भी कर लेती थी हमारी, कुछ कुछ बात छुपा भी लेती थी बेचारी। इसी घर में मैंने एक दफ़ा मैंने कहा मैं बॉम्बे जाऊंगा माँ, तो उसने मेरे हाथ, बेटे मत बोलो, तेरे साथ तेरे बाबूजी मुझे भी घर से निकाल देंगे। तो मैं चुप हो गया, मैंने कहा अच्छा जाने दो। तो उससे रहा नहीं गया, देखा कि इस मेरे बेटे का मुंह छोटा सा हो गया, तो मुझे ऐसे प्यार से, बेटे तुम अर्जी क्यों नहीं भेज देते, वो बुला लेंगे तुम्हें, तुम अच्छे हो, देखने में अच्छे लगते हो, बुला लेंगे। मेरी माँ की ये आवाज़ भी भगवान ने सुनी होगी। कुछ ही अरसे बाद फिल्म फेयर में फिल्म फेयर टैलेंट कॉन्टेस्ट के लिए एप्लीकेशन छप गई। मैंने जैसे मैंने वो अपना नाम कुंवर धर्मेंद्र सिंह, हाइट, वेट, लैंग्वेज सब लिख के दे दिया।
गायत्री मंत्र पढ़ के दुराहा के एक लेटर बॉक्स में डाल दिया। मेरे लिए वो मंदिर था और उसको कहा कि ये मेरा चढ़ावा है, मुझे भगवान के लिए अच्छा जवाब आ जाए तो अच्छा है, और वो हुआ। आपकी माता जी ने क्या रिएक्शन दिया कि पूरा देश हमारे बेटे को सबसे खूबसूरत नौजवान समझता है? शी वॉज वेरी हैप्पी। मेरे ख्याल से सभी खुश थे कि माँ को तो होता है कि मेरे बेटे की इच्छा पूरी हो गई। तो देखिए कुछ बातें होती हैं, एक स्कूल टीचर का बेटा अफोर्ड ही नहीं कर सकते, मिडिल क्लास से भी समझो लोअर मिडिल क्लास कह लो। मैं तो ये कहूँगा कि मेरे बचपन को मेरे माँ बाप ने हिंदुस्तानी तहजीब व तमद्दन से संवारा, सजाया, बड़ा किया और इंसानियत का तावीज मेरे गले में पहना कर कहा, बेटे यही तुम्हारा धर्म है, यही तुम्हारी जात है। आप इतने सालों बाद पहली बार लौट के इस घर में आए हैं, ये घर कुछ तो बातें कर रहा होगा आपसे। मत पूछो, मैं रो दूंगा यार। हम सब जानना चाहते हैं, मैं उसको पिए बैठा हूँ, मैंने उसको यूं करके बैठा हूँ। छोटे से प्यारे से घर में आप लोग कितने भाई बहन थे? हम 6 भाई बहन थे, 3 भाई 3 बहनें। मुझसे बड़ा संतोष था जो बेचारा 2 साल की उम्र में गुजर गया था। जब मैं पैदा हुआ तो मेरी माँ ननिहाल गई तो मेरे नाना से कहने लगी, बाबूजी संतोष बहुत खूबसूरत था, ये उतना खूबसूरत नहीं है। मुझसे छोटा अजीत, उससे बड़ी सुरेंद्र थी, उसको हम प्यार से चिंदो कहते थे, वो दुख मैं कभी नहीं भूलता। वो यहीं थी, इनको टाइफाइड हो गया था, उन दिनों टाइफाइड का खास इलाज नहीं था। मैं फुलवाड़ा में अपने रिलेटिव थे डॉक्टर, उनको लेने गया, वापस आया देखा तो वो गुजर गई। और अब मैं यहाँ जब भी आता हूँ तो ऐसे लगा कि जैसे वो अभी खड़ी है और कृपा जी मैंने कुछ हट गया। और होता है, ये तो होता है, इसको बर्दाश्त करना पड़ता है। बचपन के घर की हर खिड़की, हर दीवार किसी न किसी याद का आईना होती है। जिस तरफ भी देखो यादों की परछाई खड़ी मिलती है। अभी तक इस अनोखे सफर में हम सानेवाल गांव में धर्म जी के स्कूल और उनके बचपन के घर गए। अब हम रुख करेंगे एक ऐसे जगह की तरफ जहां वो उम्मीदों की कच्ची धूप सेक कर अपने इरादों को पक्का किया करते थे। ये वो खास पुल है जहां मैं खेलने के बाद, गेम्स खेलने के बाद यहां आके बैठते थे। इस रेलवे स्टेशन से मुझे बहुत प्यार है कि ये जरिया बना, जहाँ पहले हम ललतों में थे तो वहाँ ट्रेन नहीं थी, तो जब पहली हमें खुशी हुई कि यार वहाँ रेलवे स्टेशन है, आने वाले वहाँ चलते हैं, और यहाँ से आना जाना लुधियाना शुरू हुआ है। यहाँ से फिर मैं एक्चुअली कॉलेज में दाखिल हुआ फगवाड़ा जाकर। फगवाड़ा के साथ भी मेरी बहुत जुड़ा हुआ, मेरी फूफी थी, बहुत दोस्त वहाँ भी, तो फगवाड़ा से फिर मेरा जाता था मैं देखने पिक्चरें जालंधर ज्योति सिनेमा में। वहाँ का एक किस्सा ये है कि कंपनी बाग था, वहाँ बस मिल जाती थी जल्दी और थोड़ी 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 सी लास्ट की आधी रील छोड़नी पड़ती थी। तो पिक्चर देखते देखते पिछले पैर जाते 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 भागता था मैं कि बस बस ना निकल जाए। वो बस वाला वो आती थी जालंधर से लुधियाना, फगवाड़ा बीच में है, तो सब भर रहा था सवारियाँ लुधियाना लुधियाना लुधियाना। मैं कहा यार मैं फगवाड़ा जा, और ठहरना मुंडिया लुधियाना पहले, मैंने देखा तो मैंने तो देखो जो तो बैठे हैं फगवाड़ा के, तो बैठे हैं तो क्या हट पीछे, तो चुप रह गए यार। सर्दी थी, दिसंबर का महीना था, तो घर का डर अगर वक्त पे नहीं पहुंचा तो मार पड़ेगी। तो मैंने क्या किया, जैसे ही बस चली तो मैंने सीढ़ी पकड़ी बस की छत पे, और जैसे फगवाड़ा आया तो वो पट्ठा कंडक्टर को पैसे गिन रहा था,
गिनते गिनते देखा भी दो पैर ये और गाली तेरी पैंट उधर से मैं तेरी पैंट अब मारी छलांग में आजा पकड़ ले आया साले पांच आने बचाए तो इस तरह का पिक्चरों का नशा था। यहाँ से फ्रंटियर मिल जाती थी रात को 11 बजे करीब। मैं अपने घर में उसकी आवाज़ सुनने के लिए बेचैन रहता था तो मैं कहता था फ्रंटियर मेल माता मुझे बॉम्बे ले चल मुझे ले चल बॉम्बे। तो इसी तरह से ऊपर वाले ने सुनी होगी या सब फ्रंटियर मेल उन्होंने सुन ली तो फ्रंटियर मेल ही अपनी गोद में बिठा के ले गई मुझे बॉम्बे। तो इस तरह से फिल्मी सफ़र शुरू हुआ। आज आप इस मुकाम पे खड़े हैं आप देख रहे हैं हर कोई पागल है आपकी एक झलक पाने के लिए। सब ये मैं कहूँ ये इनका जो प्यार है ना ये मेरी स्ट्रेंथ है जी। ये मोहब्बत अगर मुझे नहीं मिलती तो शायद 52 वर्ष तक मैं कैसे चलता। तो उसके लिए मैं बोलता हूँ कि मोहब्बत आपकी न देती रोशनी घर मेरे नाम को बनता कैसे धर्म में आपका पहुँचता कैसे इस मुकाम को। क्या बात है। आज जब इस मुकाम पे आप पहुँचे हैं पाजी तो ऐसी वो कौन सी चीज आपको लगता है कि वो आपको साल रही है ऐसी कोई छोटी सी लालसा जो कोई जगह जहां आप जाना चाहते हो। हाँ यार वो गांव है मेरा जद्दी गांव है वो और उनको इतना गिला शिकवा है कि मैं हमेशा सानेवाल का ही जिक्र करता हूँ। तो सानेवाल में हम लोग बड़े हुए पले हुए यहीं से मैं बॉम्बे गया तो यहाँ के लोगों ने इतना प्यार दिया तो सानेवाल ही हो गया गाँव मेरा। तो आज मैं सोचता हूँ कि उनको बगैर बताए चला जाऊँ बहुत ही अच्छा रहेगा मैं भी। लेकिन मेरे पैर कांप रहे हैं उस धरती से कि मेरे बुजुर्गों की धरती जहाँ मेरी जड़ें हैं यहाँ से मेरे बाप दादा अजदाद चलते आ रहे हैं मैं उस जगह जा क्यों नहीं पाया। उसकी एक वजह थी कि बाबूजी का तबादला होता रहता था वक्त भी नहीं मिला कुछ इसी वजह से मैं जा नहीं पाया। लेकिन आज भी जाकर उनसे कहूँगा कि मुझे माफ़ कर दो मुझे दुख भी है और मैं शर्मिंदा भी हूँ लेकिन आज आ गया हूँ जब मुझे लगता है गले लगा लेंगे मुझे। हम कहते हैं आज वो दीदार हम कर ही देते हैं हम आपके साथ आपके पीछे पीछे चलेंगे। चलो चलो। इंसान के सारे सपने भले ही पूरे हो जाएं कोई ना कोई ख्वाहिश जरूर अधूरी रह जाती है। आज वो अपने दिल की वही अधूरी ख्वाहिश पूरी करेंगे अपने पुरखों के गांव धांगू जाकर। कहते हैं कि आप एक किसान को उसके खेत से बाहर तो निकाल सकते हैं लेकिन कभी भी उसके अंदर से उसके खेत उसके गांव को बाहर नहीं कर सकते। धर्मेंद्र सिंह देओल उर्फ धर्म पाजी सबसे सख्त लेकिन दिल के बिल्कुल नरम पाजी एक ऐसी ही मिसाल है। उनका घर उनका गांव, उनका पिंड उनके वजूद का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। अपने गांव की मिट्टी उन्हें अभी भी बहुत अजीज है। एशियन पेंट्स हर घर कुछ कहता है कि सीजन के इस सफर को हम यहीं अंजाम देते हैं। अगले सीजन का आगाज करेंगे हम एक नए बचपन की नई कहानी के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज अलविदा रब रख। ये थी इनके घर की कहानी। लॉग ऑन करें asianpaints.com/घर पे और हमें ये बताएं कि क्या आपने भी अपना घर किसी अपने के लिए बदला है। आप जीत सकते हैं एशियन पेंट्स की तरफ से एक्साइटिंग प्राइजेस।